रुके बहन जी, ऐसे आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। मंदिर में नहीं जा सकती मतलब? क्षमा करें, ऐसे कपड़े में मंदिर में प्रवेश करना वर्जित है। आप अपने कपड़े देखें। क्यों, क्या प्रॉब्लम है मेरे इन कपड़ों में? कपड़े में दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कपड़ा आप पहन रखे हैं वो मंदिर के मान मर्यादा के खिलाफ हैं। आप घर जाएं और भारतीय परिधान पहनकर मंदिर में पूजा अर्चना करें। आप मुझे सिखाएंगे कि क्या पहनना और क्या नहीं? जी, जो खुद से समझदार नहीं है उसे समझाना हमारा धर्म है। और मंदिर में प्रवेश करते समय पूरे वस्त्र तथा सर पे चुन्नी रखकर प्रवेश करना चाहिए। अच्छा, एक सवाल का जवाब देंगी आप? पूछिए। जब हम किसी मंदिर में घुस रहे होते हैं तो झुककर प्रवेश द्वार को क्यों प्रणाम करते हैं, जैसा आपने किया? सब करते तो मैं भी कर लेती हूँ। कुछ चीजों के बारे में जानना अच्छा होता है। चलिए कोई बात नहीं, जाइए। आप होते कौन है मुझे सिखाने वाले और मंदिर में घुसने से रोकने वाले? मैं बस भगवान का छोटा सा सेवक हूँ जो मंदिर के गरिमा को गिरा नहीं सकता। अरे गजब कर रहे हैं आप। गजब है तो गजब ही सही, हमारे मंदिर का यही नियम है और ये नियम हम किसी के लिए नहीं तोड़ सकते। आप जाएं और दोबारा ऐसे कपड़े में ना आएं। क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम है क्या, रास्ते में कुछ हुआ? रास्ते में नहीं, वो मंदिर का पंडित मुझे मंदिर के अंदर घुसने ही नहीं दिया। बोलता कि आप ऐसे कपड़ों में एंट्री नहीं ले सकती। पर क्यों? क्योंकि मुझे पूरे कपड़े पहनकर जाना चाहिए। वो होता कौन है मुझे ये बताने वाला कि मुझे मंदिर के अंदर क्या पहनना और क्या नहीं? मेरा जो मन करेगा मैं वो पहनूंगी। तुम चलो तो मेरे साथ और उस पंडित को सबक सिखाओ। अच्छा ऐसा है, चलता हूँ। लेकिन उसके पहले तुम मुझे एक बात बताओ कि जब हम लोग क्लब, पब, बार वगैरह में जाते हैं तब तो अपने मनपसंद के कपड़े, जूते वगैरह पहन करके जाते हैं। वहाँ तो हम लोग धोती कुर्ता या सलवार कमीज पहन करके नहीं जाते हैं। और कई लोग तो वहाँ पे कहते भी हैं कि आपको सिर्फ वेस्टर्न ही पहन करके आना है। तब तो हम लोग कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते, वो जो जो कहते हैं उनकी सारी बातें मानते हैं। तो पंडित जी ने आज अगर तुम्हें कपड़ों पे टोक दिया तब तो उनके नज़र में कुछ तो गलत रहा होगा ना। तुम्हें सोचना चाहिए था लेकिन तुम लड़ झगड़ करके आ गई। अब एक बात बताओ, तुम मंदिर खाली पैर जाती हो, कल से जूते चप्पल पहन करके चली जाना और कहना कि मेरा जो मन करेगा मैं वो करूँगी, ऐसा कर सकती हो क्या? नहीं ना। किसी भी जगह की गरिमा होती है और मान मर्यादा होती है, मान मर्यादा से बढ़कर के कभी कुछ नहीं होता। इसलिए पंडित जी ने जो भी बातें कही हैं, जो भी कुछ समझाया है, सब कुछ सही है। उन्होंने कहा है कि भारतीय ड्रेस पहन करके आ जाइए, तो चली जाओ पहन करके, इसमें प्रॉब्लम ही क्या है। जैसा जगह वैसा पहनावा, और अपनी मान मर्यादा संस्कृति का हम लोग ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? यहाँ अंग्रेज लोग हमारी संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं और हम भारतीय ही अपनी संस्कृति से दूर वेस्टर्न को अपनाते चले जा रहे हैं। अपने देश की मिट्टी की बात ही कुछ और है। पंडित जी ने तुम्हें कुछ भी गलत नहीं बोला है। मंदिर जाओ तो भारतीय कपड़े ही पहन करके जाओ। अच्छा मुझे एक बात पूछना है। हाँ पूछो। हम लोग जब मंदिर में इंटर करते हैं तो प्रवेश द्वार को झुककर प्रणाम क्यों करते हैं? देखो, हिंदू मंदिर वास्तुकला स्थापत्य वेद पर आधारित होता है, जिसका मतलब है कि मंदिर का पूरा ढांचा इसी वेद को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। इस वेद के अनुसार मंदिर की पहली सीढ़ी को छूकर प्रणाम करना भगवान के पैर छूने के बराबर माना जाता है। जाओ सूट या साड़ी पहनो और मंदिर हुआ। अब ठीक है? अच्छी लग रही हो, जाओ। पंडित जी, मंदिर में प्रवेश करते वक्त हम लोग प्रणाम इसलिए करते हैं क्योंकि प्रवेश द्वार को भगवान का चरण माना जाता है। दोस्तों, किसी भी जगह की गरिमा होती है, कायदे कानून होते हैं, इस बात को अच्छे से समझिए और बिन वजह कभी किसी से मत उलझिए। वीडियो ने दिल जीता है तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा ताकि और भी अच्छी अच्छी वीडियोज हमेशा मिलती रहे। निशांत पे अपना प्यार बनाए रखिएगा। जय हिंद।